फील्ड में फोकस केवल दो चीजों के लिए है कि सैलरी को कैसे कंट्रोल किया जाए और उनके टेन्योर पे, यानी माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया जाए मैन पावर के ऊपर। रूपन जी जवाब नहीं है, अरे रुक जा भाई, रुक जा, चुप हो जा, अरे चुप हो जा, मिश्रा जी, मिश्रा जी एक बार सुन लीजिए बस, अंतिम प्रतिक्रिया मुझे सबकी लेनी है जी, बोलिए खेरा जी। यार ये कौन है, व्हाट इज हिज नेम प्लीज टेल मी, कुछ ही इसको आई मस्ट टेल यू माय नेम, व्हाट इज माय नेम, प्लीज यू मस्ट नो मैटर ऑन व्हाट कोर्स यू आर, यू मस्ट सर आप मुझे अपनी बात रखनी, आप वो बात रखिए, यहाँ पर व्यक्तिगत प्लीज मत लीजिए इन सब चीजों को, आप एक दूसरे से अगर इस तरह से पेश आएंगे तो फिर लोग भी देख रहे हैं आपको, क्या आप एग्जांपल सेट करेंगे। मैनर्स ऑन टेलीविजन, लेट मी स्पीक एटलीस्ट फॉर वन मिनट, डोंट टीच मी ऑल दिस, डोंट अलाउ एनीबडी टू स्पीक, यू ओनली लाइक माय रिक्वेस्ट। चलिए मुझे अंतिम प्रतिक्रिया लेनी है, विजय खेरा जी आप बताइए सरकार यहाँ पर किस लिए क्यों लाना चाहती है। समझ गया, बट हियर दिस मैन हैज गॉट सम वेस्टेड इंटरेस्ट। चलिए बहुत शुक्रिया। एके मिश्रा जी से जानना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। एके मिश्रा जी, आपको क्या लगता है जो विपक्ष यहां पर तर्क दे रहा है कि अगर इसमें संशोधन हो जाता है तो आरटीआई जो कानून है वो कमजोर हो जाएगा और सरकार यहां पर ज्यादा नियंत्रण कर सके इसके ऊपर, इसीलिए इसको पारित करवाना चाहती है। ये जो चेंज हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसमें की टेन्योर को कम या ज्यादा करने के अधिकार की बात है और सैलरी को कम या ज्यादा करने की बात है। आज के जमाने में सोशल मीडिया में जहाँ इतनी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलती है, हम जनता के पास कॉल आ जाएगी, एक ऐसी चीज होती है जिससे जब एग्जैक्ट फैक्ट जो है बेस्ड जो है डाटा हम जो है पा सकते हैं। पास में सारी गवर्नमेंटों के ऊपर आप ये देखिए बिलिंगली या अनबिलिंगली ऐसे आरोप लगते हैं डाटा को छुपाने के या डाटा को पब्लिश नहीं करने के। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में जब हम चौथी सबसे बड़ी चुनावी है, सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है, तो सैलरी को लेकर के मतलब उसको चेंज करने के चक्कर में क्यों पड़े हैं, और दूसरा चीज इस चीज में इसका टेन्योर क्या हो, 5 साल हो, 65 साल रिटायरमेंट हो, कम हो या ज्यादा हो, तो ये बहुत हल्के पॉइंट है। मैं तो ये समझता हूँ कि चेंज इस चीज से होने चाहिए कि आरटीआई का जो मॉडल ऑपरेटिंग अभी है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, ये वैल्यू एडिशन क्या होना चाहिए, उस चीज पे नहीं हो रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जब भी होता है वो कंट्रोल और कमांड के लिए होता है, अगर टेक्निकल या क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाए तो कहीं ना कहीं। लेकिन एके जी, सरकार जो यहाँ पर तर्क दे रही है कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनके काम में फर्क है और जो सूचना आयुक्त हैं उनके काम में फर्क है, एक टेक्निकल यहाँ पर रीजन भी दिया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है जबकि जो सूचना आयोग है वो एक वैधानिक संस्था है, और इसलिए क्योंकि कामों में फर्क है तो यहाँ पर हम बराबर उन्हें कैसे आंक सकते हैं। आप यहाँ पर कितना अहम मानते हैं एक सूचना आयुक्त के, मुख्य सूचना आयुक्त के रोल को, और कैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि उसे कमतर नहीं आंका जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त के रोल से। देखिए मैम, ये आरटीआई का जो सिलसिला शुरू हुआ स्वीडन में बहुत पहले, सबसे पहले वहां पे आया था। लोकतंत्र में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सारी जनता को मिले, तो मैं इस चीज को तो मैं नहीं मात्र मतलब बोल सकता हूँ कि भाई ये बहुत कम महत्वपूर्ण काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जहां पे जरा सी भी गफलत होती है तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस चीज की जानकारी या क्लेरिफिकेशन हम केवल और केवल आरटीआई ऑफिस से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसको इलेक्शन कमीशन के एक्सपायर रखे, कम रखे या ज्यादा रखे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी का ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काम में फर्क डेफिनेटली, दोनों लोगों का डिपार्टमेंट अलग है, दोनों लोगों का नेचर ऑफ जॉब अलग है, प्रायोरिटीज अलग है, तो दोनों एकदम अलग चीज के हैं। आपको मैं समझता हूँ किसी भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इस चीज पे नहीं, ये उसके इक्विवेलेंट है, ये उसके बराबर है, फोकस इस चीज पे होना चाहिए क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सके वर्क का, उस चीज पे ध्यान नहीं है, केवल ये उसके पैरामीटर पे इलेक्शन कमीशन के बराबर करें, कम करें, ज्यादा करें। बीइंग अ पब्लिक, या अगर एक पब्लिक की बात देखें या किसी एक ऐसे बुद्धिजीवी की बात देखें, तो
हमारा तो मतलब ये है कि फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए, सैलरी आप उनको कम दीजिए ज्यादा दीजिए। अगर यहाँ पर बहुत एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि सरकार के हाथ में चला जाएगा, कार्यकाल की बात भी यहाँ पर आ रही है कि 5 साल का कार्यकाल ना होकर 3 साल का यहाँ पर कर दिया जाएगा और जो वेतन और दूसरे भत्ते हैं वो भी यहाँ पर सरकार के नियंत्रण में होंगे, वो तय करेगी, और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे इसे कम ही रखा जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयुक्तों की सैलरी के बराबर होता है, मुख्य जो सूचना आयुक्त है उनका वेतन। इसीलिए मैंने एक टर्म यूज किया था जो टेक्निकल टर्म है, अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो चेंज दो तरीके के होते हैं, फंक्शनल या स्ट्रेटेजिक चेंजेस किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जब मैंने ये होगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है चेंज है, ना कि ये फंक्शनल या स्ट्रेटेजिक चेंज है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हमेशा इस चीज के लिए किया जाता है कि बेटर कंट्रोल के ऊपर किया जा सके। तो ये तो क्लियर है, किसी भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से जो डिपार्टमेंट को कंपनी में गवर्नमेंट में उसको देखता है, उसके काम को देखता है, ऑफिसर से देखेंगे तो ये क्लियर कट जो है ये विजिबल है कि बेटर कंट्रोल एंड कमांड के लिए इस पूरे विभाग में ज्यादा ग्रिप हो सेंटर का, इस चीज के लिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की मंशा ये होती कि डिपार्टमेंट की हमें क्वालिटेटिव जो है इम्प्रूवमेंट उसको करना है, क्वालिटेटिव यानी उनके फंक्शन को हमें इम्प्रूव करना है, उसमें वैल्यू एडिशन करना है, तो डिपार्टमेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है, जो मोडस ऑपरेंडी है, उस चीज पे ये कुछ करते, कुछ वैल्यू एडिशन उस पर करते चेंज करके, ताकि जनता को या लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, जल्दी सुविधाएं मिले। मैं बोलता हूँ 30 दिन का भी नॉर्म है, इसको 10 दिन करिए ना, इसको एक बिल्कुल अगर इसके काम करने के दायरे को और सरकार बढ़ाती उसके लिए अमेंडमेंट करती कि जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको भी इसके दायरे में लेकर आया जाता है, या कुछ जो दूसरी और संस्थाएं जैसे BCCI की हम यहाँ पर मिसाल ले ले, वो अपने आप को इससे अभी बाहर रखे हुए हैं, और कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर अपने आप को इस दायरे के अंदर नहीं लाना चाहती हैं RTI के, अगर उन सबको यहाँ पर लाया जाता, सरकार इसको और शक्तिशाली बनाती, शायद ये कई मायनों में और अच्छा होता। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार यहाँ तर्क दे रही है, आपको लगता है कि सरकार इसकी शक्तियों को कम करना चाहती है, निष्प्रभावी इसको बनाना चाहती है? देखिए, अभी ये नहीं बोला जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है, शक्तियों को कम करना चाहती है कि शक्तियों को बढ़ाना चाहती है। हो सकता है कि जब उनके और इस डिपार्टमेंट के ऊपर उनका बेटर कंट्रोल हो जाए तो वो कैसे यूज करते हैं। आप इनकी बीजेपी की विश को या बिल को, स्पीकर बिल को मैं अभी नहीं बता सकता, दोनों ही चीजें पॉसिबल है, वो किस चीज के लिए किस तरीके से इसको यूज करते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ऐसा करने से उनका कंट्रोल इस डिपार्टमेंट पे बेटर हो जाएगा, उनके अधिकारियों पे, क्योंकि अब जैसे अगर एज कम करने की है, उनका ट्रांसफर, उनका रिटायरमेंट, उनकी सैलरी कम करना, ज्यादा करना, ज्यादातर सरकारों के साथ ऐसा रहा है कि वो शासन का, सत्ता का, अपने पावर का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, विभागों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, चाहे पास किए चाहे जो हो। फ्यूचर में क्या होगा ये फ्यूचर बताएगा, अभी से मैं कोई फेल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज क्लियर है कि टेक्निकली देखा जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तब होता है जब उनको बेटर कंट्रोल बनाना होता है पूरे डिपार्टमेंट पे, पूरे एम्प्लॉय। लेकिन ये कंट्रोल बैड और गुड क्या होगा, इस पर ही यहाँ पर संशय बना हुआ है, विपक्ष इसी को लेकर ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। मिश्रा जी, आपकी तरफ लौटूंगी। रहता है, मैं समझता हूँ RTI एक्सप्रेस क्या करते हैं सबको जानते हैं, पूरी दुनिया। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि मिश्रा उनसे भी जान लेते हैं, उन्होंने इस तरह के कितने मामले देख लिए, किस तरह से गलत तरीके से इसका फायदा उठाया जा रहा है RTI एक्ट। मिश्रा जी, थेरा जी, शांति बनाए रखिए, एक एक करके आप सभी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक ही मिश्रा जी अपनी बात रखिए। कि जो इन्होंने सुना कि आधे से ज्यादा RTI जो है वो पर्ची पाए जाते हैं, तो किसी की पर्ची बढ़ाने या कम करने से क्या वो उस कंट्रोल में लगा लेंगे, किसी को जल्दी रिटायर कर देने से आप कंट्रोल लगा देंगे, वो एक सेपरेट इशू है। इसीलिए मैंने बोला कि फंक्शनल या स्ट्रेटेजिक चीजों पे आप दिल नहीं ला रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। यहाँ पर अभी आपने कहा कि यहाँ पर इस तरह के कई मामले सामने आते थे, लेकिन
सैलरी कम करने से, कार्यकाल कम करने से ये सारी समस्याएं हल तो नहीं हो जाएंगी, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तो बदलाव कहाँ फिर सरकार और क्यों लाना चाह रही है, पीछे की इसकी मंशा क्या है? देखिए मोदी सरकार ने हर जगह खर्चे कम किए हैं, मोदी सरकार ने अफसरों के दफ्तरों में खर्चे कम किए हैं, मोदी सरकार ने हवाई जहाज में कटौती की है, मोदी सरकार के टाइम में जितने लोग वहाँ एक साल में सर, लेकिन जो कैबिनेट का बिल रहे जो उसे यहाँ पर आवंटित होता है, मैं आपको बता दूं कौन से खर्चों में कमी आई है, जो यहाँ पर कैबिनेट को बिल एक दिया जाता है पूरा, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं आई, वो तो और ज्यादा जितना दिया गया था उससे डबल वहाँ पर उन्होंने अपना दिखाया कि हमारा खर्चा इतना हुआ है। अब मैं बोल लूँ क्या? जी बोलिए। आप जरा पता करिएगा, हवाई यात्रा सब बंद है, विदेश यात्रा सब बंद है, और आप कह रहे हैं कि कुछ कटौती नहीं हुई, एक मंत्री जो 20 बार विदेश जाता था एक साल में अब दो बार भी नहीं जा पाता है, जस्ट सी कोई अरे सुनो, एक आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह यहाँ पर खेरा जी हमें जानकारी दे रहे हैं। जी खेरा जी, फिर आप बोलेंगे बदतमीजी, आप बीच में करते रहे, पूरा बोलने देते नहीं हो। राहुल जी आपको भी मैं मौका दूंगी, बिल्कुल खेरा जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम 20 जगह ऐसी बता सकता हूँ जहाँ खर्चों पे कटौतियाँ हुई हैं, सेक्रेटरी नहीं जाते, पीए नहीं जाते, प्रधानमंत्री अब दो लोगों को चार लोगों को लेके चलते हैं, पहले 20 लोगों को चलते थे, अब हवाई जहाज दो नहीं जाते हैं, कितनी कटौतियाँ हो गई है कम। अगर खर्चे में कटौती कम कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा हो गया भाई, सारी सुविधाएं तो उन्हें प्राप्त है, अनलिमिटेड क्यों चाहते हैं, जहाँ भी संभव है वहाँ कम करते हैं, अकेले इन्हीं के लिए थोड़ी ना कम कर रहे हैं, तनख्वाह बढ़ाई भी नहीं गई, वेतन। लेकिन फिर ये तर्क क्यों दिया जा रहा है कि काम अगर अलग अलग है तो फिर तनख्वाह एक जैसी क्यों हो? काम अलग अलग है मतलब, मैं नहीं समझा रही। यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त हैं उनके यहाँ पर भत्तों का वेतनमान का हवाला दिया गया, बताया गया कि यहाँ पर अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था, वो जो संवैधानिक है और ये वैधानिक है, जो सूचना आयोग है और वेतन यहाँ पर एक जैसा ही ले रहे हैं मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त, तो यहाँ पर फर्क है, तो यहाँ इसीलिए डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। बहुत फर्क है मुख्य चुनाव आयुक्त में के काम में, इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का, सीएजी के इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है, सौगने का फर्क है, दे हैव टू वर्क 24 आवर्स, चुनाव कराना है इनको, आरटीआई के सिर्फ जवाब लिखवाना है और जवाब देना है, बहुत फर्क है मैडम, बहुत फर्क है। क्या सर, चुनाव रोज कराना होता है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के बीच में, बहुत फर्क है जी आरटीआई की सुनवाई में और उसमें, आप इनको चीफ जस्टिस से कितना कितना मान रहे हैं, आपको पता ही नहीं, वोटर लिस्ट बनानी होती है, बाई इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म होते हैं, 24 घंटे काम अभी भी काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये कानून बनाया गया था सूचना का अधिकार कानून, अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति सूचना किसी बारे में चाहता है तो उसको यहाँ पर हैंडल करना, उसको पूरा एग्जीक्यूट करना कि किस तरह से कार्रवाई हुई, वक्त रहते उस पर कार्रवाई हुई और क्या जवाब यहाँ पर गया, ये सारा कुछ काम भी तो सूचना आयुक्त देखते हैं कि नहीं देखते, उनकी जिम्मेदारी भी छोटी कैसे हो गई? मेन काम तो वहाँ पर होता है ना स्टेट कमिश्नर के यहाँ, यहाँ कोई उनको पॉलिसी नहीं बनानी होती है रोजाना, उनको पॉलिसी बनानी होती है आरटीआई में, चुनाव आयुक्त में बहुत फर्क है, सुविधाएं कोई कम नहीं हो गई है, 3 साल का टेन्योर हो गया इसमें भी। खेरा जी मिश्रा जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि मिश्रा जी, जी एक है मिश्रा जी, इकोनॉमी में चुनाव से पहले फ्री में पैसे देने के लिए सब कुछ है, इम्प्लाई को जो है कटिंग के लिए कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग करना है तो जरा अपने नेताओं और एमपी की कॉस्ट कटिंग कर लीजिए ना, 75 फ्लैट उनके लिए डुप्लेक्स बन के तैयार हुए हैं जिसकी कीमत 2500 करोड़ है, तो वहाँ कॉस्ट कटिंग कर लिए होते ना, और ये जानकारी भी आरटीआई के जरिए ही बाहर आई होगी यकीनन। नूतन ठाकुर भी जुड़ी हुई हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, नूतन जी एक्टिविस्ट, नूतन जी इसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी उस हद तक नहीं रह जाती है, इसमें कोई संशोधन है ही नहीं बिल में, ये फंक्शनल प्रॉब्लम है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए तो बिल में कोई बात ही नहीं है, बिल में फोकस केवल 2 चीजों के लिए है कि सैलरी को कैसे कंट्रोल किया जाए और उनके टेन्योर पे, यानी माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया जाए मैन पावर के ऊपर, बिल में फोकस केवल 2 चीजों के लिए है कि सैलरी को कैसे कंट्रोल किया जाए और उनके टेन्योर पे, यानी माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया जाए मैन पावर के ऊपर,
मेरा क्वेश्चन वही है कि आप उनके फंक्शन को, उनके कार्य को अच्छे तरीके से निभाने के लिए आप कुछ क्वालिटेटिव वैल्यू, एक तरह से मनोबल भी यहाँ पर गिरेगा। सूचना आयोग का कोई भी यही पहले बोला कि फंक्शनल चेंज नहीं हो रहा है, कि 30 दिन का जो नॉर्म है उसको एक हफ्ते में करे, बिल में क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोई बात नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसलिए किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट का बेटर माइक्रो कंट्रोल हो पाए उनके ऊपर। मैं बोलता हूँ पहले अगर 30 साल करने की जरूरत है आप वो भी मत करिए, एडहॉक पे रखिए ना सबको, जब चाहिए तब हटा दीजिए। कहिए है? अगर आपकी इजाजत हो बिल्कुल, और बड़ी बहुत जल्दी आपको करना होगा, वक्त बहुत कम बचा है, सबकी प्रतिक्रिया लेनी है। तो पूरा मैंने एक मिनट मांगा था। चलिए बोलिए बोलिए खेरा जी, जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कोई सूचना आयोग के ऊपर 3 साल का टेन्योर होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, द्वारा थोड़ी उसको रिपीट होना या नहीं होना है ये अलग बात है, करना सरकार को अपॉइंट ही है। दूसरा, बार बार ये प्रश्न उठाते हैं इन सुविधाओं से अगर कोई कमिश्नर पर असर पड़ता है तो कमिश्नर बनने लायक ही नहीं है जो सुविधाएं चाहता है। इस बात के लिए अरे रुक जा भाई, रुक जा, चुप हो जा, अरे चुप हो तू, चुप हो तू। मिश्रा जी, मिश्रा जी एक बार सुन लीजिए बस, अंतिम प्रतिक्रिया मुझे सबकी लेनी है जी। बोलिए खेरा जी, यार ये कौन है, व्हाट इज हिज नेम प्लीज टेल मी, हु इज हिज, सो आई मस्ट टेल यू माय नेम, व्हाट इज माय नेम, प्लीज यू मस्ट आप मुझे अपनी बात रखनी है, आप वो बात रखिए यहाँ पर, व्यक्तिगत प्लीज मत लीजिए इन सब चीजों को। आप एक दूसरे से अगर इस तरह से पेश आएंगे तो फिर लोग भी देख रहे हैं आपको, क्या आप एग्जांपल सेट करेंगे? मैनर्स ऑन टेलीविजन, लेट मी स्पीक एट लीस्ट फॉर 1 मिनट, डोंट टीच मी ऑल दिस, डोंट अलाउ एनीबडी टू। चलिए मुझे अंतिम प्रतिक्रिया लेनी है। विजय खेरा जी आप बताइए, सरकार यहाँ पर किस लिए क्यों लाना चाहती है? नहीं समझ गया, बट ये दिस मैन हैज गॉट सम वेस्टेड इंटरेस्ट। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरटीआई